हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए आइए आज आप और मैं शुरू करते हैं आरोह काव्य खंड का पाठ 10, जिसका नाम है बगुलों के पंख। ये जो रचना है ये लिखी गई है कवि उमाशंकर जोशी द्वारा। उन्होंने इसमें बहुत ही सुंदर प्रकृति का चित्रण किया है, जैसे कि शाम के समय जब हल्के काले बादल होते हैं और उसमें सफ़ेद बगुलों का उड़ना, उसका उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आइए देखते हैं। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख। नभ यानी आसमान और पाती बंधे यानी कि एक पंक्ति में, एक कतार में चलते हुए जो बगुले हैं, जब वो उड़ रहे हैं आसमान में एक ही कतार में, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। तो कहते हैं कि उसको देखकर उस पर निगाह ठहर जाती है, यानी उनसे नज़र ही नहीं हटाई जाती। ऐसा लगता है जैसे वो हमारी आँखें अपने साथ ले जा रहे हैं। शाम का समय है, हल्के काले बादल हैं और उनमें सफ़ेद बगुले जो हैं वो एक लाइन में उड़े जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, यानी कि जो काले काले बादल हैं उनकी एक छाया जो है वो पूरे आसमान में बिखर गई है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, और जैसे उनमें क्या हो रहा है, उनमें एक सफ़ेद काया यानी एक श्वेत काया, सफ़ेद काया जो वो तैर रही है एक काले काले समुद्र के ऊपर, ऐसा लगता है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। और कभी को ऐसा लगता है कि ये जो सुंदर दृश्य है ये मुझे अपनी माया में खींच रहा है, मुझे बांध रहा है। इतना सुंदर वर्णन है कि वो अब सब कुछ भूलकर केवल उसी को देखे जा रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बस इसने मुझे अपने वश में अब कर लिया है। उसे कोई तनिक रोक रखो। कभी कहते हैं कि कृपया इस माया को अब कोई रोक दे, मेरी आंखें जो हैं कब से उस पर बंधी हुई हैं, वो मेरी आँखों को अपने साथ लिए जा रहे हैं, अब कोई ज़रा इस माया को रोक लो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाँखें। तो कहते हैं इस नभ में यानी इस सुंदर से आसमान में सफ़ेद बगुले जो उड़ रहे हैं वो मेरी आँखों को अपने साथ लिए जा रहे हैं, कोई इनकी इस जादुई माया को रोक लो। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन जो कवि ने अपने इस छोटी सी कविता में किया है, आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और फुल नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।